जिला समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक शनिवार को पार्टी के पेदियाहाता स्थित कार्यालय पर पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक का संचालन सपा के जिला महासचिव जवाहरलाल मौर्य ने किया। बैठक में जवाहरलाल मौर्य, फिरंगी प्रसाद, अवधेश यादव, मनोरंजन यादव, रामलखन पासवान, रूपावती बेलदार, मिर्जा कदीर बेग, अशोक यादव, रामनाथ यादव, श्याम देव निषाद, पंकज शाही, दयानंद विद्रोही, रामजतन यादव, मनोज निषाद, शकील अंसारी, संजय पहलवान, मैना भाई, अभिमन्यु यादव, राघवेंद्र तिवारी, राजू जवाहर यादव सहित भारी संख्या में सपाई मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सपा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, सुनील यादव जी हमारे चौरी चौरा के विधानसभा अध्यक्ष, मुनीलाल यादव जी, रबारी साहब, सुरेंद्र यादव जी, हाजी सरकारी साहब, हाजी आज की बैठक में जिन बिंदुओं पर चर्चा होनी है, किसान की रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी के दूसरा बिंदु है, ये हमारी रूटीन बैठक है। महीने के हर पहले शनिवार को समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक जनपद की होती है और उसी रूटीन बैठक के क्रम में यह बैठक चल रही है। इसमें ज़िले में जो स्थितियां परिस्थितियां रहती हैं उसको लेकर के एजेंडे में हम लोग शामिल रखते हैं। आज के एजेंडे में जो सपा बसपा का गठबंधन हुआ है उसके लिए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम लोग धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और जो एम्स और फर्टिलाइज़र के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं हुआ है उस पर भी आज चर्चा होगी। आज चर्चा होगी कि तमाम जो हमारे दक्षिणांचल में जिले के बसई, जितवारपुर, बंधा जो कट रहा है घाघरा के कटान से, जिस पर 15-20 दिन से लोग, ग्रामीण लोग वहाँ धरना दे रहे हैं और ये सरकार और यहाँ के नुमाइंदे सरकारी कर्मचारी कोई उस पर रुचि नहीं ले रहे हैं, उस पर भी समाजवादी पार्टी नोटिस लेगी। और भी तमाम मुद्दे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी नोटिस लेगी। आने वाले चुनाव में हम मतदाता सूचियों का सत्यापन करवाने के लिए, जो मतदाता हैं उनका सत्यापन करवाना है तो मतदाता सूचियाँ आई हैं उस पर भी बात होगी। यही सब मुद्दे रहेंगे।